संदेश इस जो जन आशीर्वाद बाइक रैली है उसके जरिए? भारतीय जनता पार्टी की सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा और जन आशीर्वाद रैलियां निकल रही हैं। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे बीच में जल्द शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी क्योंकि दिल्ली में मौसम खराब हो गया है, उस मौसम खराब होने की वजह से बाई रोड चले हैं और वो जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी सड़क मार्ग से पहुंचने वाले हैं, तो जितनी जल्दी वो पहुंचेंगे वो फिर वो हमारे को यात्रा में बीच में ज्वाइन कर लेंगे। तो जितनी जानकारी मेरे को आपको देनी थी। बिल्कुल, आप बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी रोड शो निकाला जा रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा पूरे 90 के 90 विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन आशीर्वाद रैलियां, जन आशीर्वाद यात्राएं की जा रही है। आप देख रहे हैं कि हजारों हजारों की संख्या में लोग उमड़ कर आ रहे हैं। लोगों को एक विश्वास है कि 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के और विश्वास के काम किए हैं वो आज निकल कर आ रहे हैं। आपने पिछली लोकसभा में देखा कि किस तरह से करनाल वासियों का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में गया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक बड़े मैंडेट के साथ जिताकर केंद्र में भेजा। हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ इस यात्रा में हमें बीच में मिलने वाले हैं। आप सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पर देखें, बड़े जोश जुनून और उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। योगेंद्र राणा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो लाडवा जा रहे हैं, कौन होगा यहाँ से? यहाँ से प्रत्याशी कमल का फूल होगा, जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। आज रोड शो निकाला जा रहा है, आज ये जन आशीर्वाद यात्रा हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में निकल रही है। कहीं रैली हो रही है, कहीं यात्रा हो रही है, उसी के संदर्भ में आज यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा करनाल विधानसभा की हो रही है। इस प्रकार से आज करनाल जिला में 3 विधानसभाओं में यात्रा और जनसभाएं हो चुकी हैं और 3 तारीख को रीलोखड़ी विधानसभा में ऐसी ये जनसंवाद रैली हो रही है, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हम सब के बीच में के लिए वो आएंगे और हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं के लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग हम इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय देख सकते हैं लाइव ये तस्वीरें और इस समय ये तस्वीरें सीधी और लाइव जो है आपको नजर आती हुई भारतीय भाजपा के द्वारा जो है आज एक रोड शो रैली जो है निकाली जा रही है और इस समय सीएम मौके पर रास्ते में ही पहुंचेंगे और ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपको नजर आती हुई लगातार तस्वीरों को इस समय सीधी और लाइव तस्वीरें और लगातार इस समय देख सकते हैं कि एक रोड शो जो है वो यहाँ निकाला गया है। जनता के लिए जनता के बीच पद यात्रा कर रहे हैं हमारे माननीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी और जिला के प्रभारी हैं, सब नेताओं के नेतृत्व में हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पद यात्रा करते हुए पूरे नगर में एक शोभा यात्रा के रूप में जा रहे हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है कि करनाल की जनता ने जिस प्रकार अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद पिछले 10 वर्षों से दिया वो लगातार आगे भी हमें प्रदान करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? चुनाव का मौसम है, जन आशीर्वाद यात्रा सरकार से भारी जोश जनता में देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है और जो विकास की छड़ी पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगाई हुई है उस पर लोग फूल चढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? आज शामिल हुए हैं, आज शामिल हो गए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तीसरी बार हमारे हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है, हमें बड़ी खुशी की बात है क्योंकि सरकार में बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जिसका मतलब और जनता के लिए, महिलाओं के लिए और सभी देशवासियों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और एक लास्ट जो एक गरीब रेखा को सीधी और लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि भाजपा जो है आज करनाल में एक रोड शो निकालने जा रही है और इस समय हाथों में झंडे लिए
सदर बाजार से निकले हैं और एक बड़ा रोड शो जो है वो यहाँ निकालने जा रही है। लगातार ये लाइव तस्वीरें आपको सदर बाजार करनाल की नज़र आती हुई और लंबा ये एक रोड शो जो है वो यहाँ निकलता हुआ। तस्वीरों से जरूर कीजिएगा बने रहिएगा, क्योंकि देखना ये होगा कि क्या सीएम सिटी रहेगा या नहीं। और ये तस्वीरें सीधी और लाइव जो है आपको नज़र आती हुई और यहाँ एक लंबा रोड शो और काफ़ी महिलाएं बच्चे इस समय से रोड शो में शामिल।